अखिल भारतीय हिंदी क्रांति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मनाए गए चक्रव्यूह को तोड़ने का निमंत्रण 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर एंड प्रॉपर्टी हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता जनार्दन ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को नहीं चुना जो जनप्रतिनिधि बनकर भारत की देश नीति तय कर सके। अंग्रेजों के बनाए विधि नियम और कानूनों की समीक्षा 1947 से 2023 तक नहीं की गई, इसलिए भारत बैक गियर में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। पूरा देश अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का शिकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे नौजवानों को चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर देगी जो संसद या विधानसभाओं में पहुंचकर भारत की नीति तय कर सकें एवं भारत को आगे बढ़ा सकें। ये तीन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी तीनों राज्यों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहती है और अधिकांश सीटों या सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और हमारा जो मकसद है व्यवस्था परिवर्तन मिशन, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई व्यवस्था है उसको बदलने का हम लोगों का एक अभियान चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मुक्त भारत बनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने भारतीय संसद और भारत की सभी राज्य विधानसभाओं को भगत सिंह पुरस्कार की घोषणा की है कि आप ब्रिटिश सरकार के चक्रव्यूह को तोड़िए। तो इन सब लोगों को पत्र भी जा रहे हैं और उसी लिए हम लोगों ने का पूरा जो 15 अगस्त 1947 के बाद से 2023 तक आज तक जो भी पार्टियां जनप्रतिनिधि चुनी उन्होंने अंग्रेजों की बनाई कोई व्यवस्था नहीं बदला, इसीलिए भारत अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है और देश का विकास भी पूरी तरह से बैक गियर में आगे की ओर हो रहा है। तो इसी सब के लिए हम लोगों ने पूरा अभियान शुरू किया है, हिंद क्रांति यात्रा शुरू की है और उसी पर काम कर रहे हैं। सभी विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का हम लोगों का है, पहले भी अपन लड़ चुके हैं, चुनाव चिन्ह अपने को पानी की बोतल मिला है भारत निर्वाचन आयोग से। सिरमौर और मऊगंज विधानसभा में हमारी पार्टी ने भाग लिया था, बिहार के चुनाव में भाग लिया था, 8-9 लोगों ने वहां लड़ा था और हरियाणा में लोकसभा भी पहले लड़ चुके हैं और कुछ ही कारण बस ये साधन संपन्नता न होने के कारण पार्टी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब ये तेजी के साथ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। कमलेश त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी, मेरे बगल में बैठे हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव। आपने अभी बताया।